ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमारे चार लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। चार लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं, उसमें से दो पोइम इंक्लूड है, तीन पोइम के क्वेश्चन आंसर हमने राइट करवा दिए, जिसमें से दो के कंप्लीट रूप से रिमेम्बर हो गए, ठीक है ना। और चार जो हमने लेसन करवाए इसके भी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर रिमेम्बर हो गए, ठीक है ना। पांचवा लेसन आपके सामने है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स का मतलब होता है झलकियां, ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की। अब ऑफ का मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन होता है, ऑफ का मतलब का भी होता है, की भी होता है और के भी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भारत की झलकियां, झलकियों का मतलब यह है कि भारत की कुछ याददाश्त भी है जो बीते हुए समय की है, है ना, उन्हीं के ऊपर हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला पार्ट हमारा ए बेकर। बेकर किसको बोलते हैं, जो पाव रोटी, हाँ पाव रोटी बनाता है। पाव रोटी का मतलब जैसे कि पाव भाजी या फिर आपने बर्गर खाया है, हाँ सेम, वो कौन बनाता है, बेकर, यानी जो बेकरी का काम करता है। जैसे कि हमारे लिए जो केक वगैरह आता है ये भी बेकर बनाता है, पाव रोटी है, उसके बाद ब्रेड है ना, बिस्किट वगैरह है, जो बिस्कुट खुले बेचे जाते हैं, है ना, फुटकर विक्रेता बेचते हैं खुले हुए बिस्कुट, ऐसे नहीं पार्ले जी वगैरह जो खुले हुए होते हैं, वो भी बेकर बनाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ए बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा का एक पाव बनाने वाला, बेकर पाव बनाने वाले को बोला जाता है, और ये कहां से है, गोवा से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एल्डर्स। एल्डर्स का मतलब यहां पर बुजुर्गों से है, बुजुर्ग कहने लगे बुढ़े लोग, ठीक है ना। वैसे एल्डर का मतलब बड़े भी होते हैं, यंगर का मतलब छोटा होता है, लेकिन यहां पे बुजुर्ग लोगों से है। व्हाट आर द एल्डर इन गोवा, यानी गोवा में जो बुजुर्ग है, नॉस्टोलॉजिक, नॉस्टोलॉजिक का मतलब क्या होता है, सुग्ध या फिर अतीत के बारे में जो सुप्त अनुभव है, सुख वाले अनुभव है, समझ रहे हो, नॉस्टोलॉजिक वो क्या है, यानी बुजुर्ग लोग गोवा में, यानी जो सुग्ध कहने का मतलब बीते हुए समय की जो दुख की सुख की जो बातें हैं वो क्या है। गोवा में जो बुजुर्ग लोग है ना, उनके दुख और सुख के बारे में जो अतीत की झलकियां हैं वो क्या है ना, उसी को हमें यहां पे देखना है। द एल्डर्स इन गोवा, यानी गोवा में बुजुर्ग जो लोग हैं, आर नॉस्टैल्जिक अबाउट, यानी नॉस्टैल्जिक के बारे में, बीते हुए समय के बारे में, या बेकर का जो जीवन है वो जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ है उसके बारे में। आ रही बात समझ में। दोज यानी वो गुड ओल्ड पुर्तगालीज डेज, यानी वे जो दिन थे ना गोवा में, पुर्तगालियों के दिन क्या थे, वो अच्छे दिन थे, यानी पार्टुगेसिस, इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको पुर्तगाली बोलेंगे हम, क्या है, पुर्तगाली एक देश का नाम है ना, उसी की बात हो रही है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पाव और बेकर, पाव रोटी जो बनाते हैं, डबल रोटी जो बनाते हैं, जो पाव बनाने वाले जो लोग हैं वो कहां से आए हैं, पुर्तगाल, ठीक है ना, फ्रांस, जर्मनी, डच, पुर्तगाल, ये सारे ऐसे ऐसे आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो उन दिनों, उनके दिन क्या थे, वो अच्छे थे। दे मिस, दे यानी वे, मिस यानी याद करते हैं, द पुर्तगालीज यानी पुर्तगालियों को, एंड यानी और, यानी कौन याद कर रहा है पुर्तगालियों को, बुजुर्ग लोग जो कहां पे रह रहे हैं, गोवा में, है ना। दे यानी वे, मिस यानी याद करते हैं, द पुर्तगाली, एंड यानी और, दे आर फेमस, दे यानी उनके, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, और लॉन्स का मतलब क्या होता है यहां पे, पाव, और बेकर का मतलब पाव बनाने वाला,
ठीक है ना, पाव बनाने वाला, ओनली फॉर 5 मिनट है ना, 5 मिनट सिट हियर। ऑफ ब्रेड, यानी जो ब्रेड रोटी, जो पाव रोटी बनाते हैं ना, वो क्या है, प्रसिद्ध है। क्या है वो? प्रसिद्ध है। द ईटर्स, खाने वाले, ईटर्स का मतलब क्या होता है, खाने वाले। ऑफ लॉव्स का मतलब क्या होता है, पाव, अरे पाव खाने वाले। माइट हैव विनिश्ड, विनिश्ड का मतलब होता है कम होना, वैसे तो विनिश्ड का मतलब खत्म हो जाना है, लेकिन यहां पे क्या है, कम, ठीक है ना। यानी जो पाव रोटी है ना, पाव भाजी, जो पाव खाने वाले है ना, वो कम हो गए हैं। पाव खाने वाले क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। बट लेकिन द मेकर्स, यानी बनाने वाले, आर स्टिल, यानी अब तक दे रहे, वहां, कहने का मतलब पाव जो रोटी है, अर्थात पाव खाने वाले क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, लेकिन बनाने वाले वहां अभी तक है। यू आर अंडरस्टैंड? नो सर। रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? गोवा में बुजुर्ग लोग नॉस्टैल्जिक के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर नॉस्टैल्जिक के बारे में वो क्या अपने विचार रखते हैं, ठीक है। इसमें बताया कि द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट गोवा गुड ओल्ड पुर्तगाली डेज। कहने का मतलब बुजुर्ग लोग गोवा में उन दिनों पुर्तगाली क्या थे, अच्छे, है ना, क्या विचार रखते हैं कि वो उन दिनों पुर्तगाली जो लोग थे वो क्या थे, अच्छे थे। ये विचार कौन रख रहा है, गोवा में रहने वाले बुजुर्ग लोग। समझ में आया क्या? हाँ बहन, मतलब शुद्ध मैंने देखे, मतलब जो लोग गोवा में रह रहे हैं उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, दुख और सुख, सुखद, कहने का मतलब सुखी भी और, है ना, नॉस्टैल्जिक, ठीक है ना। वैसे तो नॉस्टैल्जिक का मतलब जैसे शास्त्र में हम बोलते हैं, है ना, वो भी होता है। दे मिस, यानी वे याद करते हैं द पुर्तगालीज, यानी वे पुर्तगालियों को याद करते हैं। कहने का मतलब जो बुजुर्ग लोग जो हैं वो किस प्रकार से जीवन व्यतीत किए हैं, वो गोवा में रह करके बुजुर्ग लोग आज उनकी जो बातें हैं, जो उनके कार्य हैं, जो उनके लोग हैं, उनको याद कर रहे हैं, ठीक है ना। और गोवा में कौन उठ के आए हैं, बेकार पुर्तगाली लोग ही आए हैं, और उन्हीं लोगों के बारे में याद कर रहे हैं ना। एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, कहने का मतलब वे पाव रोटी के क्या है, प्रसिद्ध है, पाव रोटी के लिए प्रसिद्ध है, या पाव रोटी को बहुत ज्यादा चाहते थे। द ईटर्स लव्स माइट हैव मिस्ड, यानी पाव रोटी खाने वाले क्या हुए हैं, कम हो गए हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी वहां हैं, स्टिल देयर, यानी वहां हैं। कहां पे हैं? गोवा में भी हैं और पुर्तगाली तो हैं, ठीक है ना। अगला, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स, वेयर यानी कहा, वर यानी थे, द मंथली यानी महीना, अकाउंट यानी खाता, ऑफ द बेकर यानी ऑफ द बेकर यानी बेकरों का या पाव रोटी बनाने वालों का रिकॉर्डेड इन लिखा हुआ। कहने का मतलब जो पाव रोटी बनाने वाले जो बेकर हैं उनका खाता कहां रिकॉर्डेड रहता था, कहां लिखते थे वो, दीवारों पे। कहां पे लिखते थे, पढ़ाओगा आपने लेसन क्लास में हो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बस यही इसका आंसर है, ध्यान दीजिएगा। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड, ध्यान दीजिएगा, यानी जो पाव रोटी बेचते थे उसके बाद में पैसा कहां इकट्ठा करते थे और उसका हिसाब किताब कहां लिखते थे, वही इसका आंसर है। तो द बेकर यूजुअली, यानी जो पाव रोटी बनाने वाला है, यूजुअली यानी सामान्य तौर पर, कलेक्टेड यानी इकट्ठा करता था, दिस बिल्स यानी अपने बिल, है ना, एट द एंड
यानी अंत में ऑफ द मंथ, यानी महीने। कहने का मतलब जो पाव रोटी बनाने वाला व्यक्ति है वो बेचता था पाव रोटियों को, तो उसके बाद में महीने के अंत में उन बिलों को इकट्ठा करता था। कलेक्टेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है ना। अब बिलों को इकट्ठा करेगा तभी तो बिलों में देख करके वहां पर राशि लिखेगा कि कितने रुपए का कौन सा पाव कितने दिन में, पूरा रिकॉर्डेड मंथली रखता था। द मंथली अकाउंट्स यानी महीने का जो खाता है, ऑफ द बेकर यानी पाव रोटी बनाने का या पाव रोटी वाले का, वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अब कुछ दीवारों पर, वो भी किससे? पेंसिल से लिखा हुआ था, यानी पूरा रिकॉर्डेड रहता था दीवारों के ऊपर, वो पेंसिल से लिखता था। अंडरस्टैंड? रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स, वेयर यानी कहां, वर यानी था या थे, ठीक है। द मंथली यानी महीने का अकाउंट यानी खाता, ऑफ द बेकर यानी पाव रोटी बनाने वाले का, रिकॉर्डेड यानी लिखा हुआ या दर्ज किया हुआ, पाव रोटी बनाने वाले का महीने का लिखा हुआ खाता कहां था, ठीक है, कहां दर्ज किया उसने। तो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, द बेकर यानी पाव रोटी बनाने वाला यूजुअली यानी सामान्य तौर पर, कलेक्टेड यानी इकट्ठा कर रहा था, यानी पाव रोटी बनाने वाला सामान्य तौर पर बिलों को इकट्ठा करता था, हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ यानी महीने के अंत में। पाव रोटी बनाने वाला अपने बिलों को महीने के अंत में इकट्ठा करता था। द मंथली अकाउंट यानी महीने का खाता, ऑफ द बेकर यानी पाव रोटी बनाने वाले का महीने का खाता, वर यानी था, रिकॉर्डेड यानी लिखा हुआ या दर्ज किया हुआ, ऑन सम, ऑन यानी पर, सम वॉल यानी कुछ दीवारों पर, इन पेंसिल यानी पेंसिल से। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। व्हाट यानी क्या, डज ए जैक फ्रूट, जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, कटहल, कटहल की सब्जी खाई है आपने, उसका हुलिया देखा है कटहल का, बाहर छोटे छोटे काटे काटे रहते हैं ना, तो व्हाट डज ए कटहल लाइक अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब दिखाई देना ना, प्रतीत होना, मीन है, देखिएगा, व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक यानी क्या, यानी जैक फ्रूट यानी कटहल के जैसे दिखते थे, इसका अर्थ क्या है, कौन दिखते थे कटहल के जैसे, इसका अर्थ क्या है? हाँ, बेकर, कैसे, उस चीज को मुझे समझाया यहां पे, बेकिंग, बेकिंग का मतलब पाव रोटी बनाने वाला, बेकिंग, बीइंग ए प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है, लाभकारी, बिजनेस का मतलब क्या होता है, हाँ, पाव रोटी बनाने वालों का लाभकारी व्यवसाय है, और लाभकारी व्यवसाय होने के कारण ही द बेकर्स हिज फैमिली यानी पाव रोटी बनाने वाले का अपना परिवार, एंड हिज सर्वेंट अपने नौकर, ऑलवेज लुक्ड एंड हमेशा दिखते थे हैप्पी यानी खुश, भाई पैसा आएगा तो खुशी दिखेंगे ना, एंड यानी और, प्रॉस्पेरस का मतलब होता समृद्ध, कहने का मतलब किसी चीज की कमी नहीं है, दौलत शोहरत ऐसो आराम, कहने का मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं, क्योंकि मेहनत करते थे और मेहनत करके अपना पैसा कमा करके और खुशी से जीवन जीते थे। आगे बताया है कि देयर प्लम, प्लम का मतलब क्या होता है, आपने शायद हाँ उसमें ट्रिकी वाले लेसन में पढ़ा होगा, है ना, उसका शरीर मोटा ताजा हष्ट पुष्ट था, चर्बी से युक्त, तो यहां पर प्लम यानी गोल मोटोर, मोटा ताजा, फिजिक यानी शरीर, वाजनी था, एंड ओपन, टेस्ट मनी का मतलब क्या होता है, प्रमाण, टू दिस यानी इसका, यानी ज्यादा धन कमा रहे ना, तो इसका प्रमाण क्या है कि उसका पूरा जो शरीर है हष्ट पुष्ट और मोटा था, ये इसका प्रमाण है। आ रही बात समझ में? हैं? ये कोई मेरा है क्या, एक बार कुल फ्योर दुआ दो, दोबारा समझा रहे, ध्यान दो, ये देखो पर्सन जो पूछा है ना, ये पाव रोटी बनाने वाले लोगों के बारे में पूछा है,
कि उनका जो शरीर है ना वो कटहल के जैसा क्यों दिखता है, इसका अर्थ क्या है, है ना। तो उसी का अर्थ बताने के लिए यहां पे आंसर में लिखा है कि बेकिंग यानी बनाने वाला, पावरोटी बनाने वाला, बिंगिंग यानी बींग से ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, बींग यानी शुरू किया, ए प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है, लाभकारी बिजनेस यानी व्यवसाय, ठीक है ना। पावरोटी बनाने वाले ने एक लाभकारी बिजनेस शुरू किया, द बेकर यानी पावरोटी बनाने वाला, हिज फैमिली यानी उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट और अपने नौकर या उसके नौकर, ऑलवेज यानी हमेशा लुक्ड यानी दिखते थे हैप्पी यानी खुश या प्रसन्न है, यानी उसने एक लाभकारी बिजनेस शुरू किया, और लाभकारी बिजनेस शुरू करने पर पाव रोटी बनाने वाले का परिवार और उसके नौकर हमेशा प्रसन्न और समृद्ध दिखते थे, एंड प्रोस्पर्स का मतलब क्या होता है, समृद्ध। देयर प्लम फिजिक्स यानी उनका गोल मटोल शरीर वाज यानी था, एंड ओपन यानी खुला, टेस्ट मनी का मतलब होता है प्रमाण या खुला चैलेंज या फिर खुला प्रमाण, टू दिस यानी इसका। अंडरस्टैंड किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम से दिक्कत आप अपना डिफिकल्टी है क्या? आई होप ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, योर लेसंस ग्लिम्स ऑफ इंडिया, नेक्स्ट डे स्टार्ट नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक्स, योर सिक्स लेसन विल बी अलर्ट सेकंड पार्ट, ओके नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट, शायद दूसरा पार्ट आपका कौन सा है, ट्रूग वाला, उसके बाद में टी फ्रॉम आसाम वाला ना, कोई दिक्कत नहीं।